कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा होता है, बट आफ्टर ऑल वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया मेड अप ऑफ सिंगल सेल, बट ऑल द मटेरियल दे नीड शुड बी सप्लाइड बाय देयर सेल मेम्ब्रेन। ऑल द मटेरियल दे शुड बी सप्लाइड बाय देयर सेल मेम्ब्रेन। कुछ ऐसा भी लार्ज ऑर्गेनिज्म होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग, वी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, राइट? जो भी हमें फूड चाहिए, जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी सेल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे पास। सो वी हैव ए क्वेश्चन, व्हाई वी मेड अप ऑफ मेनी टाइनी सेल्स रेदर देन सिंगल लार्ज सेल, राइट? हमें इतना एडवांस सिस्टम क्यों चाहिए? जस्ट ऑक्सीजन को ही तो ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो इतना एडवांस सिस्टम क्यों चाहिए? सिंपली स्किन से तो ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके हम ले सकते हैं ना, बट द प्रॉब्लम इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का सब कुछ खेल है। लेट अस कंसिडर टू क्यूब्स, जो छोटा वाला है स्मॉल क्यूब है और बड़ा वाला लार्ज क्यूब है। अगर छोटा वाला का सरफेस एरिया देखते हैं तो कितना होगा? तो इसका 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 6 है। तो हम सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं सी एम स्क्वायर पे। तो 6 फेसेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ा वाला क्यूब में एक फेस में कितना है? 1 2 3 4 है। तो 6 फेसेस में कितना होगा, कितना सरफेस एरिया होगा? एक फेसेस में 4 सब यूनिट है, तो 6 फेसेस में कितना होगा? 4 × 6 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जो बड़ा वाला क्यूब का सरफेस एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो वॉल्यूम देखते हैं स्मॉल क्यूब का कितना होगा, सेंटीमीटर क्यू होता है इसका फॉर्मूला। तो लेंथ इंटू हाइट इंटू वेथ, तो लेंथ इंटू वेथ इंटू हाइट, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो कितना होगा? जो स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जो स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम बात करते हैं सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो स्मॉल क्यूब का। सरफेस एरिया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 6 बाय 1 इज इक्वल टू 6:1 होगा इसका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो। तो बड़ा वाला क्यूब का कितना होगा? सरफेस एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ 2 सेंटीमीटर, विड्थ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। टू इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा, हाँ कि नहीं? तो सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो इसका कितना होगा? 24 बाय 8 इक्वल टू 3:1 होगा। तो स्मॉल क्यूब का 6:1, लार्ज क्यूब का 3:1, 6:1 ग्रेटर देन 3:1, हाँ कि नहीं? तो स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एंड लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है। हमें ऐसा याद करना होगा कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैज लार्ज सरफेस एरिया एंड लार्ज ऑर्गेनिज्म हैज स्मॉल सरफेस एरिया, राइट? तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। स्मॉल सेल हैव लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम, वेयर एज लार्ज सेल हैज स्मॉल सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम। तो जो स्मॉल सेल्स हैं उसका एवरी पार्ट ऑफ दैट वॉल्यूम कैन सप्लाइड विथ ऑक्सीजन एट फास्टर रेट, वेयर एज इन केस ऑफ लार्ज सेल ड्यू टू लेस सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू वॉल्यूम कैन सप्लाइड विथ ऑक्सीजन एट स्लोअर रेट। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा
उसका हीट रेडिएटिंग सिस्टम होगा। सरफेस एरिया कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हीट जनरेटिंग सिस्टम होगा, राइट। इफ़ लार्ज ऑर्गेनिज्म एक सेल में बना होता तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होते हैं वो स्लो हो जाता। सो आवर बॉडी हैव टू मेड मैनी टाइनी सेल्स, सो दिस मटेरियल्स कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट टू सेंटर ऑफ सेल्स, राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर सेल्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनर इंजीनियरिंग ऑफ सेल्स, राइट। तो चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स है दे कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, राइट। हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आरबीसी हैव सर्कुलर बाइकॉनकेव शेप ड्यू टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, राइट, एंड सो इट्स वॉल्यूम इज लो एज कंपेयर टू सरफेस एरिया, हाँ कि नहीं। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट, ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर राइट साइड में देखो जो आरबीसी है वो उसका जो अगर सरफेस एरिया है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड का जो बाइकॉनकेव है तो उसका सरफेस एरिया कम है, इसीलिए उसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट बहुत कम हो जाता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट आरबीसी को बाइकॉनकेव होना पड़ता है ज़्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन के लिए। सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो का और एक एग्जाम्पल रूट एपेक्स एंड सूट एपेक्स में भी देखने को मिलता है। जो रूट एपेक्स और सूट एपेक्स होता है उसमें जो टिप का पोर्शन होता है उसका पर यूनिट एरिया बहुत छोटा होता है। अगर पर यूनिट एरिया बहुत छोटा हो रहा है सरफेस, तो उसका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो कितना होगा, बड़ा हो जाएगा। अगर स्मॉल ऑर्गेनिज्म होगा, स्मॉल पर यूनिट एरिया स्मॉल होगा तो उसका सरफेस बाय वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है इसीलिए जाइलम से जो वाटर का मूवमेंट है और फ्लोएम से जो फूड और न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट है वो इजीली रूट टिप और शूट टिप के पास पहुंच सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।